नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने धमकी भरा फोन आने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा की जानकारी ली। उन्होंने कर्नाटक पुलिस और जेल प्रशासन को फोन कॉल आने के बारे में सूचना दी। जनवरी में जयेश ने जिस मोबाइल फोन से धमकी भरा कॉल किया था उसे पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि हम इससे बात के चकित है कि फोन करने वाले कैदी को इतने कम समय में दूसरा मोबाइल फोन और सिम कार्ड कैसे मिल गया। पिछली बार पूछताछ के दौरान पता चला था कि आरोपी ने मंत्री के ऑफिस के फोन नंबर और अन्य फोन नंबर को याद कर लिया था। पिछली बार की तरह इस बार भी जयेश ने खुद को दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य बताया। कमिश्नर अमितेश कुमार ने आगे बताया कि नागपुर पुलिस की एक टीम बेलगावी जेल गई है। 2008 में डकैती के दौरान हत्या के लिए जयेश को फांसी की सजा मिली थी। बाद में सजा को कम कर उम्र कैद में बदल दिया गया था। मंगलवार को किए गए फोन कॉल में जयेश ने बेंगलुरु में रहने वाली एक महिला का फोन नंबर दिया। वह महिला इवेंट मैनेजर के रूप में काम करती है। जयेश ने नितिन गडकरी के ऑफिस में कर्मियों से कहा कि पैसा इस महिला को देना है। बाद में पता चला कि महिला के पूर्व प्रेमी ने उसका फोन नंबर जयेश को दे दिया था। या प्रकरणात आमच्याकडे फिर्याद प्राप्त झालेली आहे आणि यामध्ये आयपीसीचे खंडणी आणि धमकी इतर सेक्शन्स अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्यात आलेली आहे। पथक आमचे बेलगाव येथे रवाना झालेली आहे। ही कॉल बेलगाववरून झाली होती। आता प्रत्यक्ष यामध्ये प्राइमा फेसी जे आम्ही बेलगावचे जेल अथॉरिटीज असतील किंवा बेलगाव स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि तिकडेची इंटेलिजन्स एजन्सीज यांच्याशी संपर्कात आम्ही आहोत। प्राइमा फेसी हे फोन कॉल जेलमधूनच ते जयेश पुजारींनी केल्याचे दिसते। तरी पण यामध्ये जोपर्यंत आमचे पथक प्रत्यक्ष पोहोचून सगळे दिशेने तपास जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत नक्कीच याबद्दल काही टिप्पणी करणे योग्य नाही आहे। आम्ही अत्यंत गांभीर्याने अत्यंत वॉर फुटिंगवर यावर लक्ष ठेवून आहोत। मुली तिथे एका हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होती। तिथे स्थानिक पोलीस त्यांच्याशी विचारपूस करत आहे। आमची टीम पोहोचल्यानंतर एक वेळा खात्रीशी काय एक्झॅक्टली घटना घडलेली आहे त्यावर समजू। मागचे केसमध्ये तपासामध्ये त्यांनी मोबाईल डिस्ट्रॉय केल्याचे निष्पन्न झाले होते आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात 164 स्टेटमेंट्स वगैरे करून तपास एकापर्यंत पोहोचलेले आहे। यामध्ये आरोपीला त्यावेळी इथे आणण्यात आलेला नव्हता कारण ते ऑलरेडी कन्व्हिक्टेड आरोपी होता। त्याबद्दल कारवाई सुरू होती। आता हे परत जेलमधून फोन त्यांना मिळणे नक्कीच गंभीर गोष्ट आहे। याबद्दल आम्ही तिकडेची स्थानिक जेल प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांच्याशी संपर्कात आहोत। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।